बड़ा नाम है, बड़ा नाम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। हर पॉइंट पर कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है, आधार इंफॉर्स से रिलेटेड, इनका जो जो उपाधियों से रिलेटेड, इनके विदेशों में जहाँ जहाँ पर वो गए, जहाँ जहाँ पर उन्होंने आंदोलन किया, जहाँ जहाँ पर जो जो मिशंस किए उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो इनका हर जगह पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर शुरुआत करें तो इनके जन्म से शुरुआत करते हैं। नाम तो बोस है तो आपको लगेगा कोलकाता, बट इनका जन्म हुआ था कटक में। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा, ठीक है। इनका प्रभावती दत्त बोस, और पिता थे, फादर थे जानकी नाथ बोस, ठीक है जी। थे वो उस टाइम के बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े, काफी नामचीन व्यक्ति की फैमिली थी उसमें। एंड सी द पर्सन व्हाट ही इज, इट्स टोटली चेंज, मतलब काफी स्ट्रगल करना पड़ा उनको अपने फैमिली की तरफ से भी ये सारी चीजें करने में, बिकॉज उनको पढ़ने के लिए भेजा गया था सिविल्स जॉब के लिए, एंड ही वाज ऑल क्वालिफाइड। वो बहुत टफ होता था उस जॉब, एक तो पहले वो अंग्रेजी बहुत मुश्किल से बात को अप्लाई करता था, बाहर जाके देना पड़ता, इट इज वेरी टफ, एंड ही हैज क्वालिफाइड। बहुत शार्प पर्सन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सो हिज फादर वाज एडवोकेट उस टाइम के एडवोकेट, और काफी फेमस एडवोकेट थे, फेमस एंड प्रेस्टीजियस, ठीक है। उनका प्रेस्टीज उस वक्त उनकी जो फैमिली, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस से काफी ज्यादा प्रभावित थे। मीन्स ही वाज दो भाई, दो सिबलिंग्स, जब दोस्त बन जाए तो एक दूसरे के बहुत सारी चीजें वो जानते हैं पर उसको प्रकाशित नहीं करते, तो उनके साथ उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन था। किसके साथ? इनके भाई थे, बिग ब्रदर, बड़े भाई थे शरद चंद्र बोस, ठीक है। और काफी प्रभावित थे इनसे, काफी प्रभावित थे। बट उस समय अगर इनकी पढ़ाई के बारे में देखा जाए, एजुकेशन के बारे में देखा जाए, तो उन्होंने ICS के एग्जाम क्वालिफाई किया था 1920 में ICS एग्जाम क्वालिफाई किया था या उत्तीर्ण किया था, ये क्या था? ये सिविल सर्विसेज की, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आप लिखोगे साथ ही में 1921 में इन्होंने ICS से त्याग पत्र दे दिया, डिजाइन कर दिया। सो आप देखिए, आप ये देखिए, मैं कल भी शायद क्लास में ये कही थी और आज भी ये कही थी, जितने भी आपको ये क्रांतिकारी बोल के जो आप बोलते हैं खून खराबा करते हैं ऑल दोस थिंग्स, आप बोलते कुछ नहीं मिला है, जितने भी कल से हम लोगों ने तीन लोगों को देख लिया, तीनों वकील थे, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस तो सिविल सर्विसेज में थे, एंड व्हाट इज द टफेस्ट एग्जाम, उन्होंने ज्वाइन किया और त्यागपत्र दे दिया। ऐसे ही वो नहीं लड़े थे, दे आर वेरी क्वालिफाइड इन एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, फिर उन्होंने सारी चीजें को भारत को स्वाधीन करवा दी। आप नहीं कर सकते, बोलना आसान है। और अभी जो आप जितने भी राजनेता देखोगे कुछ दशक पहले, सम 20-25 इयर्स प्रीवियस, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस को छोड़ के आप देखिए कितने क्वालिफाइड हैं। आप आधी जनता तो बॉलीवुड को पता ही नहीं रहती वो किस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी हार्श रियलिटी। 1921 में पहली बार जेल गए और निकलते ही समाचार पत्र का संपादन किया, क्या था न्यूज पेपर का नाम? बांग्ला पत्र, ठीक है। क्या था ये? सुभाष चंद्र बोस के जो पॉलिटिकल टीचर थे या पॉलिटिकल गुरु थे, आप देखिए इनके जो राजनैतिक गुरु जो थे वो कौन थे? सी आर दास। सुभाष चंद्र बोस से सी आर दास से बहुत प्रभावित थे। जब वो लंदन गए थे ना, तब मेनली जो उनका प्रभाव था, वो जब लंदन में रहने गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, तब उनसे ज्यादा ये प्रभावित थे। आप बोल सकते कोलकाता में आप रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुनोगे, गुरुदेव जिसे हम लोग बोलते हैं सम्मानित शब्दों में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी थी कि गांधी जी से मिले, ठीक है, और गांधी जी के ही निर्देश पर सी आर राव ने उसको अपने अंडर काम करने को कहा था। तो सी आर राव अपने से ही आप काम करने नहीं दे सकते, गांधी जी लॉ की पढ़ाई सबने पढ़ी है, समझ रहे हैं, बैरिस्टर सब थे, पर गांधी जी का जो मैनेजमेंट था ना, इसकी सारी बोटियों को कैसे पकड़ना है, कैसे चलाना है, ही नोज सो वेल, ही कैप्चर्स द माइंड, ही कैप्चर्स द इमोशंस, ही नोज हाउ टू प्ले दैट, ही नो हाउ टू मूव एवरी पर्सन।
गांधी जी, सोचिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप जाओ गांधी से मिलो, और गांधी के निर्देश पर सी आर राव ने उसको अपनी कार्यकारिणी परिषद में काम करने की अनुमति दी, कार्य करवाया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ऑलरेडी लिटरेटेड टू मच, ऑलरेडी लिटरेटेड है, वाई सी एस के एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, बट दीज आर योर अपनी मुख्य अधिकारियों में किसको नियुक्त किया? सुभाष चंद्र बोस को नियुक्त किया। सुभाष चंद्र बोस को सुनाइए, जो जिसके जीवन में स्वाधीनता आजादी की आग लगी हुई है वो क्या ऐसे सरकारी दफ्तरों में काम कर पाए? इट इज अ बेसिक कांसेप्ट, राइट? सो उन्होंने 93 में तो मिला, अरे 23 में तो उनको मिला, और 24 में उन्होंने यहाँ से, और जबकि वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पोस्ट पर थे, उससे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप देख सकते हो इस चीज को कि 1924 में उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की पोस्ट से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन यहाँ से भी दे दिया, इस्तीफा दे दिया। Because, क्या था इस्तीफा का कारण? उन्होंने उनका कार्य पसंद नहीं था, उनको सरकारी जो कार्य चल रहे थे, जो गतिविधियां चल रही थी, जो तरीके थे, उनको पसंद नहीं आए थे। जब तक वो उनका प्रेम क्लैश नहीं हुआ, और जीवन काल जो हम लोग बोलते हैं, उस पूरे के पूरे में उन्होंने 11 बार गिरफ्तारी दी थी। सो लिख लीजिए, कुल 11 बार गिरफ्तार हुए, 11 टाइम्स वो अरेस्ट हुए, अरेस्ट या गिरफ्तार हुए। पूरा विरोध हम लोगों ने कल भी पढ़ा, कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय, और इसी साइमन कमीशन के विरोध में उनको लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हुई, व्हाटएवर। इस साइमन कमीशन का 1928 वाला जो साइमन कमीशन था, इसका विरोध सुभाष चंद्र बोस ने भी किया था। तो आप देख सकते हो कि ऐसा अगर एमसीक्यू आ जाए कि किसने किसने आपके साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो आप सुभाष चंद्र बोस का भी नाम लिख सकते हो। तो देखिए 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था, तो वो नेहरू जी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज। हम लोग एक नेहरू रिपोर्ट पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में, हम लोग देखेंगे अंत में, हम लोग के पास है नहीं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्टडी, बट मॉडर्न इंडिया में नेहरू रिपोर्ट एक आता है, और उस नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और आप बोलना कि इस नेहरू रिपोर्ट में इसकी बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि वो काफी एक्टिव हो चुके थे तब तक। ठीक है, क्योंकि यार वो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए, फैमिली इतनी रेपुटेटेड, एवरीबॉडी नो हिज फैमिली। ठीक है, सो बार बार ये तो वो चर्चा में थे ही, सुभाष चंद्र बहुत अच्छी खासी चर्चा में थे, और उनकी ये सारे विरोध या आंदोलन ये गतिविधियां पूर्ण स्वराज की मांग है, सारी चीजें, तो फिर क्या किया उनको बर्मा निष्कासित कर दिया कुल मिला। तो आप लिखना कि पट्टी में इनको बर्मा निष्कासित कर दिया, निर्वासित कर दिया, और किसी को आप वहां पर उनकी तबियत बिगड़ गई, तबियत बिगड़ने के बाद उनको यूरोप भेजा गया। ठीक है, तो सलाह दी जाती थी कि आप यूरोप चले जाइए और मेक योर हेल्थ बेटर। ठीक है, बट उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, और वो वापस भारत आ गए। भारत में कहाँ आ गए? हिमाचल प्रदेश में आ गए। कहाँ आ गए? वापस हिमाचल प्रदेश में आ गए, और इसी साल वो कोलकाता के महापौर चुने गए, फिर से उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। ठीक है, तो यहाँ से वो कहाँ बर्मा निष्कासित कर दिया गया, तबियत बिगड़ गई। तो एडवाइस दिया गया या सलाह दी गई, कहाँ जाओ? यूरोप चले जाओ। पर वो नहीं गए, वो यूरोप नहीं गए, वो वापस इंडिया आ गए। इंडिया में कहाँ पर आ गए? हिमाचल प्रदेश में। और इसी साल वो कोलकाता के मेयर चुने गए। विद्या स्टार्ट हो जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है सुभाष चंद्र बोस उसमें हिस्सा लेंगे ही। जब वो उन्होंने हिस्सा लिया तो उन्होंने फिर से गिरफ्तार कर लिया, क्यों? क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियाँ, ये ड्यूरेशन है ना आपका 1930, बस 17 ईयर बाद ही तो हमें मिल गई आज़ादी। तो सोचिए माहौल कितना राजनीतिक गतिविधियों से भरा होगा, कितना गर्म होगा उसको। सो वही सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है और ये सारी चीज़ें, तो ऑब्वियस ही बात है सुभाष चंद्र बोस उसमें हिस्सा लेंगे ही। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस उसमें हिस्सा लिए, फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, फिर से उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया, फिर से गिरफ्तार हो गए और उनको बारदोली जेल में भेज दिया गया, फिर से गिरफ्तार हो गए और बारदोली जेल में भेज दिया गया।
बाद थोड़ी देर उनको और फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने फिर से उनको सलाह दी भाई आप यूरोप जाओ, तो आज 3 सालों के लिए उनको वहाँ पर जाना पड़ा तबीयत ठीक करने के लिए। ठीक है, गिरफ्तार होने के बाद उन तक देखिए 1936 तक वो कहाँ रहे, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होता है। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता आपके सुभाष चंद्र बोस ने दी। ये दो बार क्वेश्चन आ चुका है और अपने कार्यकाल के दौरान ही नेहरू की अध्यक्षता में योजना समिति का गठन किया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू की जो समिति थी उसमें योजना जो बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता की थी या उसका गठन किया। द्वारिका नाम, ये नाम याद रखना है। क्यों किस इनको भेजा गया, किसने भेजा इनको, भेजा सुभाष चंद्र बोस ने भेजा। कहाँ भेजा, कि जो आपका जापान चीन युद्ध था, जापान चीन का जो युद्ध था, युद्ध में जो लोग घायल हुए हैं उनकी सहायता के लिए भेजा। ये सारे पॉइंट्स जापान के एमपी के जबलपुर में है, लिख लीजिए। 39 का त्रिपुरी अधिवेशन, ये अधिवेशन आपका कहाँ पर होगा, जबलपुर। तो मैं तो अध्यक्ष थे ही हरिपुरा वाला। दूसरे आप देखो, जो अध्यक्ष होगा वो अपना माइंड थॉट्स ऑब्वियसली अपने विचार व्यक्त करेंगे और ये थोड़े गरम दल नेता के तरफ से थे, कांग्रेस के गरम दल नेताओं में से गिने जाते थे। तो और हमारे गांधी जी तो इस टाइप के थे नहीं, उनके विचारधारा अलग थी। तो वो सुभाष चंद्र बोस चाहते तो थे कि हम त्रिपुरा वाले अधिवेशन में भी जो कार्यकाल मेरा रहेगा मैं ही अध्यक्ष बना लूँ, परंतु आपके जो गांधी जी थे, ठीक है, गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे, गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बनेगा। इसलिए क्या हुआ कि इवन आपके जो राजगुरु मतलब आपके जो सॉरी रवि कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस को एक और मौका दिया जाए, बट ऐसा गांधी जी ने नहीं किया। और पी सीता रमैया, देखिए पी सीता रमैया, ठीक है, पी सीता रमैया को अध्यक्ष बना दिया, मतलब सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद पर रहने नहीं दिया और पी सीता रमैया को अध्यक्ष बना दिया। किसने बनाया, गांधी जी ने बनाया, इवन आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे काफी लोकप्रिय थे, उनकी विचारधारा काफी लोकप्रिय थी, एंड इट वाज अ स्केयरिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना ये एक स्केयरिंग पॉइंट है। एंड इवन ये जो अध्यक्षता का जो चुनाव हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है 203 वोट से जीत गए थे। सो जस्ट इमेजिन कि पहले तो हरिपुरा वाला अधिवेशन हुआ 1938 में, हरिपुरा वाला अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अध्यक्ष थे, लेकिन वापस 1939 देखो आपको अगर कुछ काम करना है फॉर राष्ट्रहित, ठीक है, आपको थोड़ा समय तो लगेगा ना, आपको कुछ पुराने विचारधारा को चेंज करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, आपको सही चीज़ों का फॉर्मेट लाना पड़ेगा, तो ये सारे जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो अगर टाइम टेकिंग प्रोसेस के बीच में ही आपको मेन पॉइंट से हटा दिया जाए तो थिंग्स वोंट कंटिन्यू, राइट। तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरा अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी वाले अधिवेशन में भी आपके सुभाष चंद्र बोस मैं ही अध्यक्ष बना रही हूँ। ठीक है, इवन टैगोर ने भी गांधी जी को ये कहा कि उसको एक और मौका दिया जाए, वो बदलाव ला रहा है और इस बदलाव को लाने में थोड़ा टाइम प्रोसेस लगेगा, बट देन ऑल्सो गांधी जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे, उनके विचार लोगों के जन जन में मौजूद थे। सो दिस ऑल द आर द रीजंस जिसको स्केयरसिटी लाई जाए, समझ में आ रहा है। तो दूसरे राजनेता थे उनके दिमाग में ये भय था जो गांधी जी के दल में जितने राजनेता थे, सो फॉर दैट रीजन उन्होंने सीता रमैया को अध्यक्ष चुना। में जो भारतीय सेना थी, भारतीय सेना, ठीक है, एक्चुअल में देखो दो चीज और जानना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम की घटना है। राष्ट्र, ये दूसरी राष्ट्र कौन है, ये है जर्मनी, इटली
और जापान की, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका यूरोप है। तो एक्चुअल में ये लोग क्या है, यूरोप से लड़ रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर में जापान और इटली यूरोप से लड़ रहे हैं। ये जो आजादी में हुआ कहाँ हुआ, बर्लिन में। बर्लिन में भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र, ठीक है, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए जो सेंटर बनाया गया वो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ बनाया, आपके बर्लिन में बनाया। भारतीय सैनिक थे जिनको कैद कर लिया गया था इस युद्ध के दौरान, ठीक है, उन सबको इसमें डाला। प्लस अगर आप ये जो ग्रुप जो राष्ट्र वो मुसोलिनी, मुसोलिनी कहाँ के थे अभी बताया था, इटली के थे और दिल्ली, इन दोनों से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। चारों से प्रभावित नहीं थे, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने इन दोनों से मदद भी मांगी थी। किसके लिए मदद मांगी थी, भारत को स्वतंत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने मुसोलिनी और आपके हिटलर से मदद भी मांगी थी। आजाद हिंद फौज की जो भारत को स्वतंत्र करने की जो थी, जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसके लिए आजाद हिंद रेडियो की जो आपका व्यवस्था है वो भी शुरू की है। लीजिए आजाद हिंद रेडियो, आजाद हिंद रेडियो, ठीक है, आजाद हिंद रेडियो शुरू किया गया जर्मनी में, किया गया जर्मनी में, ठीक है। और ये क्यों शुरू किया गया था जर्मनी में, बिकॉज ऑफ यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो हमारे भारत में अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलाम बनाया, उनके साथ जो आपका जो व्यवहार किया, और कैसे हम प्रयास कर सके कि अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए भारत को, यही इस रेडियो व्यवस्था का एम था। कब, 1942 में। नेक्स्ट, आपको सुन के हैरानी होगी कि यही जो रेडियो है ना, आजाद हिंद रेडियो, इसी में 1944 को, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया। जो ये राष्ट्रपिता वाला है ये हमारे किसकी देन है, सुभाष चंद्र बोस की देन है, ठीक है। देखिए इसको 6 जुलाई को इसी रेडियो में राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसको कहा था, गांधी जी को, गांधी जी को संबोधित किया। क्लियर है, तो ये आजाद हिंद रेडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब क्या है कि यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 को जर्मनी से कहाँ पहुंचे, जापान। जापान द्वारा एक्चुअली गवर्न होता था सिंगापुर, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा, राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ये निकाला राष्ट्रीय सेना, ठीक। इसमें क्या है कि जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस कहाँ से, जर्मनी से कहाँ गए, सिंगापुर। और सिंगापुर उसमें किसके द्वारा शासित था, आपके जापान से, इसी लिखूंगी जापान, इटली और जर्मनी, यही तीन थे जो कि एक्सियल शक्तियों से लड़ रहे थे, एक्सियल शक्ति में यूरोप बैठा था, ठीक है। और इसी जगह से ही उन्होंने दिल्ली चलो का नारा लगाया, इसी जगह से ही उन्होंने दिल्ली चलो का नारा, प्लस ये जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय सेना है और आजाद हिंद फौज है, इन दोनों का गठन किया, INA है। इसका गठन जो है, गठन पहली बार आपके मोहन सिंह और जापानी मेजर के द्वारा अभियान, ठीक है, मलेशिया अभियान में सिंगापुर में जो कैदी थे, कौन से कैदी थे, ये कैदी भारत अंग्रेज युद्ध में जो भारतीय कैदी थे उनको शामिल किया, ठीक है। कहाँ शामिल किया गया, इस कौन आ गए, पहले तो भारतीय कैदी आ गए और दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक, ठीक है। ये 50,000 कितनी हो गई, ये संख्या 50,000 सेना थी वो इंफाल और वर्मा के जो बॉर्डर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, जो संबंध सेनाएं थी उनकी बॉर्डर में, जो संबंध सेनाएं थी इनसे आप बोल सकते हैं INA ने मुकाबला किया। और साथ ही साथ जब आपके इसका रंगून का पतन हो गया, तब तक INA जो थी एक स्टैब्लिश, अच्छा खासा स्टैब्लिश हो चुका था, जिसके
नवंबर 1945 पर ब्रिटिश सरकार ने आपके इस INA पर मुकदमा चलाने, ठीक है। और इस मुकदमा को चलाने के बाद पूरे भारत में काफी बड़े उस पर पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। INA ने जो इतना प्रभाव डाला ना, इससे जो भारत में ब्रिटिशों की जो सेना थी उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, और इस प्रभाव और विरोध के कारण जो बॉम्बे में नौसेना थी उसने विद्रोह कर दिया था, उसने ब्रिटिशों का विद्रोह कर दिया था। आप सोचिए इस INA कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा कि ये अंग्रेजी सेना जो थी ना, ब्रिटिश सरकार की जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी उसमें एक असंतोष की लहर फैली, मतलब वो भी सेना में ये भी सेना, दोनों ही तो सेना ही थे, एक असंतोष की लहर पैदा हुई जिसके परिणाम स्वरूप जो बॉम्बे नौसेना थी ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान जो बॉम्बे नौसेना थी उसने विद्रोह छेड़ दिया, और ये सारे इतना प्रेशर कर चुके थे कि भारत को अंग्रेजों को भारत को छोड़ना ही था। ये 1945 की बात कर रहे हैं, 1945 दो साल बाद ही हमें बॉम्बे नौसेना ने विद्रोह कर दिया था, और भारतीय ब्रिटिश सेना जो थी उनके मन में असंतोष फैल चुका था, भारतीय ब्रिटिश सेना जो थी। You are the someone I've been trying to meet.